अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अदील यूनस और आप देख रहे हैं कबूतरबाजी इन पंजाब। तो दोस्तों उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो दोस्तों काफ़ी दोस्त भाई कह रहे हैं कि इन दिनों में कबूतरों में वायरस आया हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नज़ला जो है वो भी बहुत ज़्यादा हुआ है परिंदों में। तो ये ठंड की बीमारियाँ हैं जी, ठंड में अमूमन इसी तरह होता है, कबूतर ठंडा पानी पीता है और उसको नज़ला हो जाता है और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कबूतर ज़ाया हो जाता है। मतलब नज़ले में भी ऐसी उसका तरीका कार होता है कि वो गला पकने लग जाता है परिंदे का और पक के जो है बिल्कुल कबूतर आपका ज़ाया हो जाता है। तो ये होता है, ये इस तरह का मसला है कि इस पर आपने जो है टाइमली एक्शन लेना होता है कि नज़ला अगर आपको फ़ील हुआ है कबूतर के उसको रेशा हो गया तो उसको आपने फौरी ट्रीटमेंट करना है। मेरे कबूतर जो है माशाल्लाह से एक्टिव हैं, ठीक है। तो अभी लाहौर से कुछ मैंने परिंदे बच्चे मंगवाए थे, उनमें कुछ परिंदों को ये मसला था नज़ले का, मतलब उनको जो है सर्दी लगी हुई थी और वो उनमें काफ़ी आवाज़ वगैरह भी आ रही थी, काफ़ी दोस्त भाई ने वीडियो देखी होगी वो वाली। तो अभी वो माशाल्लाह से सेट हैं, दाना वगैरह कर रहे हैं बेहतरीन किस्म का, जो है ना उनको रेशे की कोई आवाज़ कोई उस तरह का मसला नहीं है। ख़ास तौर पर ये जो टेढ़ी बच्चा है इसको बहुत ज़्यादा मसला था उस टाइम पर, ये जो पीछे इनके आया हुआ है, और अभी देखें माशाल्लाह से एक्टिव है। तो वो तीन सिरप मैंने कहा आप दोस्तों से भी शेयर करते हैं, लगातार आपने 3 दिन इस्तेमाल करवाना है। तरीका कार क्या है वो मैं ला के दिखाता हूँ और वो आप भी इस्तेमाल करवाएं 3 से 4 दिन। मेरा आज 3रा दिन होगा, लेकिन ये देखें माशाल्लाह से एक परिंदे सारे ही एक्टिव हैं और ठंड ठीक ठाक है। तो मैंने एक परिंदे बंद भी नहीं किए हुए, ऐसे ही ओपन ही रहते हैं, आपने देखा होगा इस साइड पर। तो मेरे ये आगे जाली के कुछ भी नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, परिंदों को माशाल्लाह से एक्टिव हैं। तो ये होता है कि आपने थोड़ा सा इनको इनकी ट्रीटमेंट साथ साथ जारी रखनी होती है नॉर्मल, बाद में जब अगर मसला बढ़ जाए तो फिर आप अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो हर कबूतर जो है वो मेडिसिन एक्सेप्ट नहीं करता। वो मतलब ये है कि एक मेडिसिन आपकी एक परिंदे पे काम कर रही है, दूसरे पे नहीं कर रही, इस तरह से मामला हो जाता है। फिर कुछ परिंदे आपके बड़े अच्छे ज़ाया हो जाते हैं। तो टाइमली बिला किसी टेंशन के ये 3 सिरप आप इस्तेमाल करवाएं, इसका रिएक्शन नहीं है आपके, इंशाल्लाह जो परिंदे वो ठंड में भी आपको एक्टिव नज़र आएंगे। मतलब ये है कि उनको आप जिस टाइम भी देखेंगे ना तो वो सुस्त नहीं बैठेंगे, वो बेहतरीन मतलब ठंड को महसूस नहीं करेंगे। तो मैंने कहा आप दोस्तों के लिए ये वीडियो बनाते हैं ताकि जो जिन भाई जो भाई कहते हैं कि जी कबूतर एक्टिव नहीं होते हमारे, तो उनके लिए ख़ास तौर पर वीडियो है, तो वो इस्तेमाल करवाएंगे तब उनको रिज़ल्ट पता चलेगा। वीडियो देख के हटा देंगे तो उस चीज़ की आपको चीज़ की समझ नहीं आएगी, या आपने वो चीज़ जब इस्तेमाल करवाएंगे परिंदों में फ़र्क देखेंगे तो आप इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इस्तेमाल करवाएंगे। ये तकरीबन सर्दियों में 2 से 3 दफ़ा होते हैं इस्तेमाल ये वाले सिरप, तो इतने कॉस्टली भी नहीं है, 400-500 के अंदर अंदर, बल्कि 200-300 रुपये के अंदर अंदर आ जाते हैं। तो लेकिन इनका रिज़ल्ट बड़ा शानदार है, तो मैं भी इस्तेमाल करवा रहा हूँ, आप भी इस्तेमाल करवाएं। तो ये इस ट्रीटमेंट के हवाले से वीडियो है, इसमें जो भी कबूतर आपका पतली बीट कर रहा है या कोई भी मसला है उसको इंटरनली, ये जो है ये 3 सिरप जो है ये हर किस्म के जो है ना मसले दूर कर देंगे परिंदे में से, और आपका परिंदा जो है वो एक्टिव होगा। ये देखें आप माशाल्लाह से फीमेल्स भी मस्तियाँ कर रही हैं, फुल जो है ठा वगैरह खेल रही हैं, मज़ा आ रहा है परिंदों को जो है ना। तो ये तरीका कार है कि आपने अगर परिंदे को एक्टिव रखना है तो उसको आपने या देसी तरीके से रखना है, कोई देसी तरीके से, लेकिन देसी तरीके में ये होता है कि ज़्यादातर दोस्त भाई ओवरडोज कर देते हैं परिंदे को, तो वो परिंदा अंदर से खुश्क हो जाता है। देसी तरीका यही है कि आप जब मिसालों गर्म मिसालों में से कुछ मिसालें इस्तेमाल करके पानी गर्म पिला रहे हैं परिंदों को, उसमें भी बाज़ औक़ात ओवरडोज की वजह से ना परिंदा अंदर से खुश्क हो जाता है। तो ये जो ये 3 मेडिसन हैं इनका रिएक्शन कोई नहीं है। जो भी परिंदा आपका थोड़ा बहुत मस्ती मसले में है या कोई ओवरऑल उसको होने वाला है, मतलब ये है कि थोड़ा बहुत है या ज़्यादा है, ये सिरप ऐसे हैं कि ये फौरी अमल करते हैं। मतलब आप एक दिन इस्तेमाल करवाएंगे, नेक्स्ट डे आप देखेंगे आपके परिंदों में आपको बहुत चेंज नज़र आएगा, सेकंड डे इस्तेमाल करेंगे आपको मज़ीद बेहतरी नज़र आएगी। आपने 3 से 4 दिन जो है ना वो परिंदों की कंडीशन के हिसाब से आपने करना है ये इस्तेमाल, और फिर इंशाल्लाह कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा इनका रिज़ल्ट मिला है। तो सिरप ले के आते हैं जी, आपको सिरप दिखाते हैं, फिर उनका जो ट्रीटमेंट है या जो उनका तरीका कार है वो आपको बता देते हैं कि कैसे इस्तेमाल करवाना। जी दोस्तों इस तरह से कबूतर रखे जाते हैं जी, ये देखें अभी कुछ मेडिसन्स कम हैं गर्मियों के हवाले से, तो जो रेगुलर इस्तेमाल होने वाली हैं वही पड़ी हुई हैं, लेकिन ये सारी जो है ना क्वान्टिटी में मेडिसन मौजूद हैं, किसी टाइम भी किसी परिंदे को कोई मसला हो आप उसी टाइम जो है ट्रीटमेंट कर सकें।
तो ये देखें जी, ये सोकड़े के लिए बड़ी अच्छी मेडिसन है, जेटी पार सिरप मिलता है। ये आपको इस्तेमाल करवाएं जिस टाइम सोके से कबूतर, देखें कैसे मांस उठाता है। ये लाइजोविट है जी, ब्रीडिंग के लिए बहुत शानदार है। जब ब्रीडर परिंदे हैं उनको आप महीने के अंदर एक दफ़ा 2 से 3 दिन इसका जो है ना कोर्स करवाएं, परिंदा आपका एक्टिव हो जाएगा। तो ये कुछ जो है ये ज़रूरी मेडिसन हैं, ये भी आप ले लें। अमोक्सल है, रेशे वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। नोविडेट ये भी सीरप है, और जो मैं इस्तेमाल करवा रहा हूँ इन दिनों में वो ये है जी, नोविडेट है फ़िलहाल। ये 3 सीरप हैं, एक नोविडेट, ये पाउडर शेप में है, ये पाउडर शेप में मिलेगा, और ये भी जो है ना मॉक्सल भी पाउडर शेप में। और इनके साथ मैं इस्तेमाल करवा रहा हूँ जी ये फ्लैजल सिरप। ये 3 सीरप मैं फ़िलहाल इस्तेमाल करवा रहा हूँ जी, आप भी इस्तेमाल करवाएं। इसका जो है एक ढक्कन पाउडर का जो है ना आपने 4 लीटर पानी के अंदर एक ढक्कन इसका, एक जो है इसका, इसकी भी पाउडर शेप में आता है। ये आपने समझ लें कि इतना सा पाउडर आपने 4 लीटर पानी के अंदर डाल देना है। तो ये 3 सिरप आप इस्तेमाल करवाएं जी। मैंने तो अभी थोड़ी देर में पानी डालना है परिंदों को, तो मैं भी ये इस्तेमाल करवा रहा हूँ, आज 3रा दिन हो जाएगा। तो आप भी इस्तेमाल करवाएं, फिर मुझे लाजम इसका जो है ना कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे फ़र्क मिला है परिंदों में कि नहीं मिला। तो इंशाल्लाह मुझे तो बहुत फ़र्क मिलता है ये जब भी मैं इस्तेमाल करवाता हूँ, और सर्दियों में ये 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल लाजमी करवाना पड़ता है, तो आपका परिंदा जो है बीमारी वगैरह में नहीं जाता, ठीक है। और एक और ये जो है ना, ये पोल्ट्री का आइटम है, लेकिन अगर आपके छत पे कहीं वायरस आ जाता है, ठीक है, वायरस आ जाए तो फिर उसके बाद इससे बहुत फ़र्क मिलता है परिंदों में, ठीक है। ये एक सिरप टाइप मिलता है, इसके अंदर से जो है ना ये है, ठीक है। इसमें ये आप इस्तेमाल करवाएं अगर लकवे झोले का वायरस आ गया आपके छत पे, तो इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है, आपके परिंदे काफ़ी हद तक जो है ना रिकवर हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जेंटल पड़ी हुई है, ठीक है, ये कीड़ों वगैरह के लिए कबूतर पोट रोक ले, तो ये जो बड़ा है ना ये मिलता है ड्रॉप, ये आप इसके 2 कतरे जो है ना पोट रोकने वाले परिंदे को दें, वो परिंदा जो है सारी उल्टी करेगा, उल्टी करके नेक्स्ट डे जो है परिंदा आपका इसी से ही ठीक हो जाएगा। काफ़ी मसला आता है ये परिंदों में। ये जेंटेसिन है जी आई ड्रॉप, इसमें ये वाले कैप्सूल मैं ऐड करता हूँ, और फिर एक कैप्सूल जो है इस डिब्बी में ऐड करके जो है मैं आंखें ख़राब होने पे देता हूँ। ये सायरन पता नहीं किस चीज़ का है जी, कबूतर पतली बीट कर रहा हो जी। ये मैं इंजेक्शन इंजेक्ट करवाता हूँ परिंदे को, एक दिन में असर आ जाता है। तो ये सारी ट्रीटमेंट है, ये एक मैंने बना के रखा हुआ है ये माजूनों का, इसमें दुआल मिस्क है और काफ़ी और चीज़ें हैं। ये अगर किसी भाई ने इस तरह का नुस्खा लेना है तो बता दे, मैं ये शेयर कर दूँगा प्रॉपर इसका। तो इसमें 3-4 चीज़ें, ये भी पोट रोकने पे अभी है, और बाकी भी इसमें काफ़ी मसले हैं। कबूतर अगर सर्दी महसूस कर रहा है उसमें भी आप एक गोली दे दें रात को बना, तो इसका बड़ा असर है। तो ये सारा मामला है जी, बाकी बताइएगा वीडियो कैसी लगी है। तो कोशिश की है जो ये दवाइयाँ मेरे पास मौजूद थी इनका क्या ट्रीटमेंट है वो आपसे शेयर किया। सबसे ज़रूरी ये आइटम है जी, ये आपने हर महीने के बाद एक दफ़ा लाजमी इस्तेमाल करवाना है। इसका जो है आपने 2 ढक्कन जो है इसके सेब का सिरका मिल जाता है, एप्पल विनीगर, या आप 2 ढक्कन जो है ना 4 लीटर पानी के अंदर आप डाल के, तो महीने में एक दफ़ा लाजमी इस्तेमाल करवाएं, गर्मियों में 2 दफ़ा भी इस्तेमाल करवाएं, तो इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल करने से ही आपके परिंदों में बहुत फ़र्क होगा। तो ये बड़ा ज़रूरी आइटम है, ये लाजमी होना चाहिए। तो बाकी भी ये कुछ देसी भी पड़ी हुई है, तो बाकी बताइएगा वीडियो कैसी लगी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।